महाभारत के वो श्राप जिन्हें कलयुग में भी भोग रहे हैं लोग। क्या थे वो श्राप, किसने दिए ये श्राप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़े उन श्रापों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज भी मनुष्य भोग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। तभी पांडव इस बात को सुनकर दुखी हुए कि उन्होंने अनजाने में ही अपने बड़े भाई को मार दिया, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विधि विधान से कर्ण का अंतिम संस्कार किया तथा शोकाकुल होकर माता कुंती के समीप गए और तभी उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की गोपनीय बात का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। यही कारण है कि लोग आज भी कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं बचती। दूसरा श्राप, जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया था। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए थे, तभी वहाँ पर उन्होंने ध्यान में लीन शमीक ऋषि को बुलाया। शमीक ऋषि ध्यान में थे, जिसके कारण राजा ने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। तीसरा श्राप, महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के पास पहुंचे और वहां अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया, तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदल कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी, तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, जिससे तुम दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। चौथा श्राप, महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई, तब उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।